अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ बुक ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक फोर थर्ड एडिशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर इज नंबर्स एंड एरिथमेटिक ऑपरेशंस। चिल्ड्रन, यू हैव टू लर्न दिस प्लेस वैल्यू चार्ट बाय हार्ट। फॉर सिक्स डिजिट नंबर्स, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000। सेवन डिजिट नंबर्स, मिलियन। एट डिजिट नंबर्स, 10 मिलियन। एंड नाइन डिजिट नंबर्स, 100 मिलियन। अब आपको जो भी नंबर गिवन होगा, फर्स्ट आपको उसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना होगा इस तरह गिवन नंबर को लिखकर, और उसके बाद उस नंबर को से दैट नंबर। फॉर एग्जांपल, आपको ये जो नंबर गिवन था उसको आपने इस तरह डिजिट्स में लिखा और उसका ऊपर प्लेस वैल्यू डाली, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000 एंड मिलियन। एंड नाउ से दिस नंबर 2,489,652। इन दिस वे आपको प्लेस वैल्यू चार्ट इसका बनाया नंबर का। 10 मिलियन तक का नंबर था, से दिस नंबर 23,896,108। और 100 मिलियन का 9 डिजिट नंबर था, आपने सबसे पहले प्लेसेस डाली और फिर उसको से करेंगे, 630,057,789। लुक एट पेज नंबर 3। फर्स्ट एग्जांपल इज राइट द नंबर इन वर्ड्स। सो आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिजिट्स को लिखेंगे और फिर उनके ऊपर प्लेस वैल्यूज डालेंगे और फिर उसका जो भी आंसर होगा उसको आप राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द गिवन नंबर इन फिगर्स। सो फर्स्ट प्लेस वैल्यूज डालेंगे एंड देन यू विल राइट द नंबर, एंड देन राइट द वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट। इसमें भी आप सबसे पहले प्लेस वैल्यूज डालेंगे और उसके बाद जो भी रिंग डिजिट है उसकी प्लेस वैल्यू डालेंगे। एक्सरसाइज 1A, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, इन द नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज। सो इसको सॉल्व करने के लिए चिल्ड्रन, आप सबसे पहले इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे। नंबर को आप सबसे पहले राइट करें, उसके ऊपर फिर प्लेसेस राइट करेंगे। प्लेसेस स्टार्ट करते हैं ऑलवेज फ्रॉम यूनिट। यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन एंड देन 10 मिलियन। जब आपने नंबर राइट कर लिया, उसके बाद आप इजीली रिंग डिजिट 8 के ऊपर रिंग डला हुआ था, आपको यू हैव टू टेल द वैल्यू ऑफ 8। सो 8 इज 100,000, दिस इज 800,000 or 800,000। यू कैन राइट कॉमा और गिव अ लिटिल स्पेस। बी पार्ट, दिस इज़ द नंबर, दिस इज़ द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म इन टू इट्स ओरिजिनल नंबर। सो यू नो कि एक्सपेंडेड फॉर्म में यू हैव टू राइट द फर्स्ट नंबर, सो दिस इज़ द आंसर। एंड आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स यू हैव टू गिव स्पेस इन इंटरनेशनल नंबर्स, लाइक यूनिट 10, 100 एंड देन सम स्पेस और कॉमा, एंड देन 1000, 10,000 एंड 100,000 एंड देन सम स्पेस और कॉमा। सो इन एक्सपेंडेड फॉर्म 5, 2, 0, 0, 4, 5 and 9, first digit of every number. Now we come to part C. Insert space to express this number in international number system. आपको ये बताया है कि ये जो गिवन नंबर दिया हुआ है इसके अंदर स्पेस दें और कॉमास भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ द आंसर सी। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स इन इंटरनेशनल सिस्टम वी गिव सम स्पेस और कॉमा। सो आफ्टर यूनिट 10, 100, दिस इज सम स्पेस एंड देन 1000, 10,000, 100,000 सम स्पेस एंड देन मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। डी पार्ट, द प्रेडिसेसर ऑफ दिस नंबर इज, एंड ई पार्ट द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर इज। यू नो द प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर। इन प्रेडिसेसर यू हैव टू माइनस
1 from the given number, and in successor you have to add one number. So write the number and then subtract 1 from it, you will get the predecessor or previous number. And then write the number and add 1 and you will get the successor or the number that comes after that number.